आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत। लगभग एक महीना पहले हमारी टीम ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चार्ज लिया था। सारी इलेक्टेड टीम है, इसमें हमारे राजीव गुप्ता जो हैं वो मिसिंग हैं क्योंकि किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा। इस एक महीने में हम पूरी टीम ने एक भी दिन अपने घर पे आराम नहीं किया। डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिले, डिफरेंट एसोसिएशन से मिले, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना, उनका हल निकालने की कोशिश की। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गए, वहाँ पर भी हमने अपनी बात रखी और उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव जो व्यू हमें मिला। सबसे पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सब प्रेस वालों का कि पिछले एक महीने में हमने जो जो भी कार्य किए वो आपके द्वारा जो है उसको पूरी तवज्जो दी गई। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है प्रॉपर्टी बिल। आज जिस तरह से जैसे ही मुझे लग रहा था कि बस स्टैंड की जो इनॉग्रेशन की गई पार्किंग की, उसी दिन जो इंडिकेशन दिए गए कि आने वाले दिनों में जम्मू वालों को एक नया तोहफा मिलने वाला है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। इसका हम पुरजोर तरीके के साथ विरोध करते हैं और मैं ये बताना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि जिस तरह से पिछले दो साल में आप ये देखिए, सितंबर 5 से लेकर के 19 से सितंबर 5 19 से लेकर के आज तक जम्मू कम से कम 6 महीने टोटल बंद रहा है। इस कोविड टाइम में भी देखिए, अगर पहले तो दफ़ा 370 हटी, 35 ए हटी, सभी बिजनेस जो हैं वो बंद हो गए। उसके बाद कोविड 19 आया, उसके दौर में भी बिजनेस जो हैं चार चार महीने लॉकडाउन में रहे और आज भी अगर देखेंगे लखनपुर आज भी बंद है। गवर्नमेंट कैसे सोचती है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं जी, इस पर उनकी नज़र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस नज़रिए से देखे कि वो लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, जिनके दुकानें, जिनके बिजनेस, जिनकी प्रमिसेस जो हैं चार चार महीने लॉकडाउन में बंद रहे और आज उन पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस टैक्स के बारे में रिव्यू करना चाहिए और यहाँ पर हम लोग जम्मू की तरफ से, हमारी आवाज़ जो है जम्मू की आवाज़ है और हम लोग जो है इसका पुरजोर तरीके के साथ विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में और भी, मतलब यहाँ तक हम जा सकेंगे वो जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि भाई अगर टैक्स लगाना है पहले कम से कम स्टेक होल्डर से बात करिए। इन्होंने एक बार भी ये कोशिश नहीं की स्टेक होल्डर जो हैं उनसे बात की जाए। और मेरा मानना है कि जम्मू का व्यापारी, जम्मू के लोग जो हैं, आज कई लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अभी तक कई लोगों के घर जो है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों की फ़ीस दे सके और इस तरह का टैक्स जो है वो इम्पोज करने की बात जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात, जम्मू के लोगों की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो है इस टैक्स को बिल्कुल यहाँ पर इंट्रोड्यूस ना किया जाए। और इसके साथ एक बात जो मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर टैक्स लगा हुआ है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको, उस टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगों की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो टैक्स दे सके, प्रॉपर्टी टैक्स, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका हम पूरे तरीके के साथ, पुरजोर तरीके के साथ हम विरोध करते हैं। दूसरी बात, लखनपुर पैन इंडिया में जो एसओपी जो इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर जनवरी 31st, उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया, सब एरिया जो हैं वो ग्रीन जोन में आ गए, लेकिन लखनपुर आज भी रेड जोन में है। गवर्नमेंट हमें बताने की कोशिश ही नहीं कर रही, हम लोग गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं अब बताइए तो सही कि लखनपुर क्यों बंद है जब पैन इंडिया जो है कहीं आवाजाही जो बंद नहीं है। अगर आपने दिल्ली जाना है आप दिल्ली जा सकते हैं, बॉम्बे जाना है बॉम्बे जा सकते हैं, और जिसने जम्मू में आना है और जम्मू में आने के लिए पहले तो उसको वहाँ पर टेस्ट करवाने हैं, चेकिंग करवानी है, और उसके बाद इंटरस्टेट बसेज जो हैं वो बंद हैं। और इंटरस्टेट बसेज बंद होने से जितनी तकलीफ़ जो है लोगों को हो रही है, जम्मू जो है आज की डेट में 40% बिजनेस जो है वो हमारा पिलग्रिम टूरिस्ट पर डिपेंड करता है, 40%। इसमें होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट लाइन और जो छोटे मोटे जो बिजनेस हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं।
आज की डेट में भी पिलग्रिम टूरिस्ट को एंट्री में तकलीफ हो रही है, पिलग्रिम टूरिस्ट आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है यहाँ। तो हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट की अपील है ये कि एक तो लखनपुर को जिस तरह से पैन इंडिया में सब तरफ से ओपन है, उसी तरह से इसको भी ओपन किया जाए और इस टैक्स के बारे में रिव्यू किया जाए। इस टैक्स को हम लोग जम्मू में नहीं लगने देंगे। धन्यवाद। वाले दिनों में वही तीखापन जो है फिर से आपको दिखाई देगा, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग जो हैं एजिटेशन पाथ लें, क्योंकि हमें अपने लोगों का उनके बारे में भी सोचना है। पिछले 2 साल से जिस तरह से 8 महीने तक लॉकडाउन रहा है, हम नहीं चाहते कि हम बंद की काल दें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इनडेफिनेट बंद करने के लिए भी हम लोग तैयार बैठे हैं। अरुण जी, आपने कहा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर फिलहाल हम पब्लिक के साथ हैं, हालांकि 370-35 एकड़ जब से पतन हुआ है, जम्मू की अगर मार्केट की बात करें, कश्मीर की मार्केट की बात करें, बिजनेस ठप हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा दे चुके हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स आज नहीं तो कल तो लगना ही लगना है, इस पर सोच विचार किया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो किस तरह का रुख जो है आने वाले दिनों में चैम्बर का देखने को मिलेगा? देखिए, पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में चर्चा हुई, आज फिर से वही चर्चा जो है फिर सामने आई। पहले पॉपुलर गवर्नमेंट थी, अब यूटी गवर्नमेंट है। अब एलजी साहब जो हैं इस पर, हमने एलजी साहब से पहले भी बात की है, हम लोग उनसे मिले हैं और अपनी बात भी रखी है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि उनकी तरफ से ये पॉजिटिव व्यू रहे। यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स का अभी सही टाइम नहीं है, नहीं लगना चाहिए, और अगर उनकी तरफ से हमारी बात पे गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमें इनडेफिनेट स्ट्राइक भी करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे। अरुण जी, डिप्टी मेयर ने हाल ही में पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हवा मचाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएगा, वो पास होगा, देखा जाएगा कि क्या प्रावधान है, होगा या नहीं, ये तो बाद की बात है, हवा क्यों मचाया जा रहा है? ये देखिए, पास होने की बात नहीं है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग रेट फिक्स करने के लिए हमें बोला गया है, पास होना कहाँ रह गया, नोटिफिकेशन निकल गया तो पास कहाँ होना है। अब जो यहाँ असेंबली जो इस समय कॉरपोरेशन है वो तय करेगी, लेकिन कॉरपोरेशन में भी मेजॉरिटी बीजेपी की है, और अगर इनकी तरफ से ये चीज़ जो है इसकी इस पर गौर नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू। ऑलरेडी हमारे प्रधान साहब ने सारी आप जो पूरा जो घटनाक्रम इस समय जो जैसा माहौल बना हुआ है आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दी है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके प्रधान साहब ने आपको कहनाया है, मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको इम्पोज नहीं होने देंगे। यही आज एक क्लियर कट मैसेज है जो यूटी गवर्नमेंट को है। ये हमारी टीम का जॉइंट डिसीजन है। हाँ। जो हमने आज आपके सामने रखा है। थैंक यू।